हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करें। ठीक है, आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ जिससे आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले फेसबुक को ओपन कर लेना। फेसबुक को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रोफाइल वाला आइकन यहाँ देख सकते हैं, राइट टॉप कॉर्नर पर आपकी प्रोफाइल का फोटो दिख रहा होगा, तो सिंपली इसको क्लिक कर देना। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर जब ऊपर तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ये रहा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसको क्लिक कर देना है। और इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुलकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक प्राइवेसी शॉर्टकट नाम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो प्राइवेसी शॉर्टकट को क्लिक कर देना। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर दोस्तों अपना चेंज योर पासवर्ड, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए परमानेंटली डिलीट करना है अकाउंट को। तो जब और ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, इसको क्लिक कर देना। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुलकर आता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग चलता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये बता रहे हैं कि आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिलीट करना है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन देख रहे होंगे डिलीट अकाउंट का, उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये सब आता है, आपकी प्रोफाइल से जितने भी पेज बने होंगे वो साथ में इसके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल से एक पेज बना हुआ है, तो वो भी मेरे पेज प्रोफाइल के साथ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों ये पूछता है कि आपको रीजन, ठीक है, क्या रीजन है आपको इस क्यों डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, आपको किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली रीजन बहुत सारे रीजन दे रखे हैं, तो आपको किसी भी एक रीजन को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ दे रखी है। देखो यहाँ पर देख सकता है कि आपके अकाउंट पर जो भी पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं यू हैव 30 फोटो, यानी 38 फोटोज मेरे यहाँ पर अपलोड हुए हैं, 62 पोस्ट हैं। तो इस सबको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इन्फो पे क्लिक करेंगे, या कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं ट्रांसफर इन्फो पे क्लिक करेंगे, वरना आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट को ऑप्शन दिख रहा होगा तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डिलीट अकाउंट पर तो दोस्तों आपकी सारी चीज़ यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें।